लखनऊ होली के खूबसूरत रंग और शब्बे बारात के महकते हुए फूलों जैसे त्योहारों को मद्देनजर रखी गई पीस कमेटी की मीटिंग होली और शब्बे बारात के मद्देनजर की गई पीस कमेटी की मीटिंग गंगा जमुना तहजीब को ध्यान में रखते हुए लोगों से की गई अपील। अधिक संख्या में दोनों धर्मों की जनता ने भाईचारे का परिचय दिया। DCP राजेश श्रीवास्तव, ACP चौक IMP सिंह के साथ इंस्पेक्टर सुनील दुबे, SSI संजय द्विवेदी, अन्य पुलिस कर्मी रहे मौजूद। सभी को एक दूसरे के त्योहार में सहयोग करने को कहा गया। थाना ठाकुरगंज में संपन्न हुई पीस कमेटी की मीटिंग, वकार हुसैन की रिपोर्ट। एक्चुअली थाना ठाकुरगंज में शबे बरात और होली जो कि लगभग एक साथ पड़ रही है, दोनों त्यौहार 28 के नाइट से स्टार्ट हो रही चीज़ें और 29 तक चलेंगे, इसको लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय लोगों की मीटिंग की गई और बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। दोनों पक्ष पूरी तरह से तैयार हैं दोनों के सारे त्यौहारों को एक साथ और पीसफुल ढंग से मनाने के लिए। इन लोगों को तो छोटी छोटी सावधानियाँ जिसका ध्यान रखना है उसके विषय में बताया गया, ब्रीफ किया गया। दे ऑल आर रेडी और हम लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अप हुआ कि ये त्यौहार दोनों बहुत अच्छे ढंग से निकलेंगे। क्या क्या संदेश है उस टाइम का, दोनों की टाइम एक है तो होलिका और शबे बारात में लोगों को निकलने का किस तरह से आते हैं? बेसिकली हम लोगों ने ये कन्विंस करने का प्रयास किया है और एक आह्वान किया है कि होलिका दहन को थोड़ा सा पहले कर लिया जाए, जिससे 9 बजे तक होलिका दहन में हर जगह अग्नि लग जाए। और मुस्लिम भाइयों से अपील की कि थोड़ा सा वो 9 बजे के बाद अगर निकलेंगे तो थोड़ा सा हम लोग के लिए आसानी हो जाएगी। यद्यपि हम लोग हर तरह से तैयार हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, जिससे दोनों समुदाय बहुत अच्छे ढंग से सारे त्यौहार मनाएंगे। और दोनों लोगों ने इसका हमें विश्वास दिलाया है कि हम लोग इसका प्रयास करेंगे, अनुपालन करें और यदि कहीं हम लोग कोइंसिडेंटली साथ में भी हैं तब भी हम लोग को ये दिक्कत आनी नहीं है। थैंक यू। सोशल मीडिया के जरिए जो लोग अफवाह फैलाते हैं, हिंदू भाई हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ठेस पहुंचाने काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कोई किसी तरह कार्रवाई की जाएगी? हाँ, निश्चित रूप से ये भी संदेश दिया गया है क्योंकि सोशल मीडिया में लोग काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी जनसंख्या अब उसी से अपना ओपिनियन बनाती है और व्यू प्रभावित होता है लोगों का। तो लोगों को बताया गया है कि जो भी सोशल मीडिया में अगर कोई ऐसी गलत अफवाहें या गलत तथ्य चलते हैं जिससे समाज की ट्रैंक्विलिटी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अगर भंग होती है, शांति व्यवस्था भंग होती है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ स्वयं समाज का दायित्व है कि ऐसे लोगों को ग्रुप एडमिन बाहर करें, पुलिस को सूचित करें, या जो समाज के जो ग्रुप में जुड़े हुए अन्य लोग हैं वो लोग तत्काल पुलिस को सूचना दें, जिससे ऐसे असामाजिक तत्वों को हम लोग चिन्हित करके उनके खिलाफ इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर सकें। ये पूरे हर जगह पे कई जगह बैरियर्स रहेंगे, बैरियर लगे वहाँ पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा, जिससे कोई भी आएगा अगर ऐसा जो मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन अगर होता है, चाहे रैश ड्राइविंग है चाहे ट्रिपल राइडिंग है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को डिस्करेज किया जाएगा, जिससे पीसफुल ढंग से सारे त्यौहार संपन्न।